अच्छा जी, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मेरे पास भी एक दौर था कि जब वस्पा आता था, जब मेरी तारीख पैदाइश 21/5/1977 है। सत्तर को ही हमारे घर में हमारा वस्पा आया था, इटली से डब्बा पैक और उसको फिर तैयार किया गया था। तो ये वस्पा देख के आज मेरा भी दिल ललचा गया है। तो ये बात भी होगी कि अब आईएसबी स्ट्रीट से जो है मेरे लिए वस्पा दिखाया है। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारिक तआला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, ये कल मैं गया था पाक व्हील का कार शो था, लेकिन कार शो में मुझे मेरे मतलब की चीज़ नज़र आ गई। तो ये कैसे हो सकता था कि ये मैं आप तक ये चीज़ इंफॉर्मेशन शेयर ना करूं कि वेस्पा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तारीख में इसका एक अहम मुकाम है। और अक्सर तो ये भी कहा जाता है कि जो कामयाब इंसान है और कामयाब सियासतदान खुसूसी तौर पर, उनके पास वेस्पा हुआ करता था। ये एक मिथ बनी हुई है, इसमें हकीकत कहाँ तक है ये मैं क्या कह सकता हूँ। अगर इतना ही होता तो मैंने भी सारी ज़िंदगी वेस्पा चलाया, मैं आज कामयाब सियासतदान होता, बल्कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता। एक नॉर्मल कॉमन सी बात आ गई। लेकिन वेस्पा मेरा शौक रहा जी। 1977 मेरी पैदाइश के मौके पर मेरे वाला साहब ने वेस्पा लिया था और फिर मैंने चलाया, खूब चलाया। और 96 में वाला साहब की डेथ हुई, उसके बाद मेरे ख़ानदान में ही उनके बहुत ही करीबी दोस्त भी थे और कज़न भी, उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे वेस्पा वो ले गए थे। और ये वेस्पे जो हमने देखे हैं, ये 61 मॉडल है और ये उससे पुराना मॉडल है, लेकिन बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये तो उन्होंने तैयार कराया है। लेकिन ब्लैक वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये जेन्युइन है। वेस्पा पाकिस्तान के अंदर जब ये मोटरसाइकिल लेने आए तो हैवी बाइक टाइप मोटरसाइकिल हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त ज़्यादा ज़ोर हुआ और ये 60 से लेकर ये 80s तक वेस्पा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आया। वेस्पे का जवाल उस वक्त हुआ कि जब पेट्रोल महंगा होता गया और वेस्पा फिर इंसान हमारी जो ज़रूरत है उससे भी यानी कि बढ़ती गई, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाता है। लेकिन अभी ये जो वेस्पा आप देख रहे हैं, ये मेरे भाई ने बताया कि 35 किलोमीटर फी लीटर में ये चलता है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर ग्राउंड में क्या कुछ हुआ वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर रश है, आवाज़ बड़ी ख़राब है, हो सकता है मेरी आवाज़ बड़ी क्लियर ना आ रही हो, लेकिन आज मैं इस वेस्पे पे बैठ के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मेरे पास भी एक दौर था कि जब वेस्पा आता था, जब मेरी तारीख पैदाइश 21/5/1977 है और 21/5/1977 को ही हमारे घर में हमारा वेस्पा आया था, इटली से डब्बा पैक और उसको फिर तैयार किया गया था। तो ये वेस्पा देख के आज मेरा भी दिल ललचा गया है। तो ये बात भी होगी कि अब आईएसबी स्ट्रीट से जो है मेरे लिए वेस्पा दिखाया है। पीछे पीछे बैठ के अच्छा जी, हमें दावा दूंगा स्ट्रीट यूनियन वालों को भी काइंडली स्टेज पर आए और अपनी शील्ड जो है रिसीव कर लें। और मैं रिक्वेस्ट सबसे जरा करूंगा कि काइंडली स्टेज थोड़ा कर लें ताकि इस पे वजन ना पड़े, थोड़ा सा जरा सेंटर पे वजन ना डालें। थैंक यू। स्ट्रीट यूनियन वाले काइंडली स्टेज पर आ जाए और आगे अपनी शील्ड रिसीव कर लें। थैंक यू। और यहाँ पर दो वेस्पे मुझे नजर आए हैं तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। कामरान ख्वाजा साहब के वो आए और सुनील साहब से शील्ड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम साहब, ये इस्लामाबाद से हैं सर, ये वेस्पा कब से आपके पास है? ये वाला तकरीबन 10-11 साल हो गए और उससे जो है 22-23 साल हो गए। यानी कि ये पुराने वेस्पे के शौकीन हैं और जो बंदा वेस्पे का शौकीन होता है उसे फिर दुनिया जान क्या कोई और चीज अच्छी नहीं लगती है। आप मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सीडेंट वाला कभी गिरा हूँ, इनके फुल सेफ्टी वाला है ये स्कूटर हमें, क्योंकि बाइक जो स्लिप हो सकती है ये स्लिप नहीं होता, क्योंकि इसके जो आगे सेफ गार्ड जो बने हुए आपको आगे से महफूज रखते हैं। तो ये क्या आपने अब तक रखा है? क्योंकि मैकेनिकली कोई इशू तो नहीं? आप नहीं 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 आप खुद ठीक कर लेते होंगे। मैंने बचपन में रखा होता है वो आधा मकान खुद होता है। अगर कहीं खड़ा हो जाए ना तो वो स्टार्ट कम से कम कर लेते हैं,
पंचर हो जाए वो भी कर लेते हैं, बाकी ऐसा इशू तो कोई होता नहीं है कि मिस्त्री को। ओके जी, हमारे दूसरे स्पॉन्सर एक्साइट बैटरी की तरफ से उस्मान वजीर साहब, आप कर लिया कि रिसीव कर लीजिए। आप दे रहे दावा देंगे गैमीज क्रू की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया और अपनी शील्ड रिसीव कर ले सुनील साहब से। गैमीज क्रू की तरफ से प्लीज कोई आ जाए स्टेज पे। थैंक यू जी। दोस्तों आपने देखा है कि वेस्पा और इसके जो शौकीन हजरात हैं वो कैसे अपनी इस गाड़ी में, कह सकता हूँ ये छोटी गाड़ी कहलाती थी एक वक्त में, क्योंकि जिसके पास भी वेस्पा होता था इसके जो कंफर्ट है ये मोटरसाइकिल के मुकाबले में बहुत अच्छी है। मैंने खुद अपने गांव में जो तकरीबन 60-70 किलोमीटर का सफ़र बनता है एक दो दफ़ा मैं मरी भी किया हूँ, और मुझे याद है कि मैं काले दौर में इसके ऊपर शंक्यारी तक भी गया हुआ हूँ, और वेस्पा की सवारी जो है वो इंतहाई कम्फर्टेबल है, और इस्पेशली जो लोग मेरी तरह के हैं वो मोटरसाइकिल पर ज़रा मिसफिट होते हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा देर जल्दी थक जाते हैं, इसमें आप बड़े आराम के साथ बड़ी कंफर्टेबली आप बहुत लंबा लंबा सफ़र भी कर सकते हैं। वीडियो मेरी जो लोग देख रहे हैं, अगर किसी के पास कोई पुराना जेन्युइन कंडीशन में वेस्पा मौजूद है तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मेरा एक बार फिर से दिल कर रहा है कि मैं वेस्पा लूँ और इसे रखूँ, और इसके ऊपर जो मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा वक्त गुजरा है दोबारा इसको रिपीट करें। पेट्रोल तो चलें खाता ही खाता है, लेकिन ये है कि ये जो जिन लोगों के पास ये राह हो वही इसकी कदर जान सकते हैं कि वेस्पा दरअसल चीज़ क्या है। बाकी राह अगर मैं बात करूँ रावलपिंडी के हवाले से, तो रावलपिंडी में अभी भी वेस्पा तैयार करने वाली दुकानें हैं। वेस्पा यहाँ पर दोबारा मुकम्मल तौर पर इसकी सारी बॉडी तैयार की जाती है, बड़ा ज़बरदस्त पेंट किया जाता है, और इसके मैकेनिक भी अभी तक मौजूद हैं, इसके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। मैंने पूछा है भाई साहब से, उन्होंने कहा कि अभी भी पार्ट्स मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो खर्चा है वो यही होता है कि इसकी केबलें ज़्यादातर टूटती हैं, इसकी क्लच केबल ब्रेक केबल हो जाती है, और उसके अलावा इसकी क्लच प्लेटें जो सी हैं वो अक्सर टूट जाया करती थी। वो भी हमारा एक कॉलेज का दौर था जिसमें हम इसके साथ बड़ी ज़्यादती किया करते थे, तब शायद क्लच प्लेटें जल्दी उड़ा करती थी। लेकिन इसका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, कोई इतनी कोई बड़ी कोई मैकेनिकली इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। और बाकी बादशाह किस्म की कैसे कहते हैं शनशाही सवारी है, और जो लोग वेस्पा रखना जानते हैं रखते हैं उन्हें पता होता है कि वेस्पा क्या ज़बरदस्त किस्म की चुनसी है। ये सवारी है इटली मेड होता है, ये इटालियन है, और वेस्पे की आखिरी लास्ट लिमिट किस सन तक हुई इसके बारे में मुझे इल्म तो नहीं है, लेकिन 60 से 59 60 से ये आना शुरू हुआ और 80s तक ये आता रहा पाकिस्तान में। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं रावलपिंडी के उस मुकाम से ज़रूर बनाऊँगा जहाँ वेस्पे तैयार होते हैं, और वेस्पे की कहानी उनकी ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। आज की वीडियो मेरी इतनी थी, इजाज़त दीजिएगा, कमेंट करना लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।